भाइयों बहनों, जगह भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा और मेरे कैमरामैन अरविंद शर्मा का नमस्कार। भाइयों बहनों, हमने आपकी मुलाकात चित्रा लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जटपा, कांग्रेस, आजाद उम्मीदवार से कराई, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो पावर होती है वो जनता जनार्दन के बीच में होती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही कौन कौरव है, कौन पांडव है, ये जनता जनार्दन ही ये डिसाइड करेगी और जनता ही चक्र भी बनाएगी। उस चक्र में कौन निकलेगा, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे आम लोगों के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई चुनाव निशान नहीं है, ना ही कोई किसी भी पार्टी का यहाँ पर कोई दफ्तर है। हम बातचीत करेंगे क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ कि आम नागरिक इस इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं। कहाँ पर रहने, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ पर क्या आपको लगता है इलेक्शन जो आप चल रहा है, इलेक्शन में वेब किस तरह की लगी आपको? अच्छा, ए आपका क्या नाम है? पवन कुमार जी, इस वक्त क्या माहौल चल रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर इलेक्शन का? कुरुक्षेत्र के अंदर तो बीजेपी का तो बीजेपी का क्यों वोट कर रहा है, क्यों आप कह रहे हो वोट करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे निकले? क्या बता दी, ये तो जैसे पब्लिक आती है उनसे पूछते हैं थोड़े बहुत, यही कहते हैं बीजेपी का रहा है इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जो यहाँ पर लोकसभा में, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हमारे बीच में खड़े हैं। यहाँ पर क्या लगता है आपको इलेक्शन का? पहले आप अपना नाम बताएं। रामपाल जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अच्छा, लोकसभा क्षेत्र कौन सा आपका क्षेत्र ही पड़ता है? तो वहाँ पर गाँव का क्या माहौल है? कांग्रेस के ऊपर। अच्छा, तो इन्होंने कांग्रेस पर मोहर लगाई है। तो आप आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? परमवीर जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? कॉल से। अच्छा, ये बताना कि कॉल के अंदर रोड बराबरी बहुत ज्यादा है, वही है कॉल आपका? हाँ जी। तो आप हमें ये बताना कि वहाँ पर क्या इलेक्शन का माहौल है? वहाँ पर कांग्रेस का बहुत अच्छा है। अच्छा, कांग्रेस। परमवीर जी ने कांग्रेस का। साहू जी नमस्कार जी। नमस्कार साहू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार। साहू जी, क्या माहौल लगता है कांग्रेस का, जनता क्या माहौल कह रही है यहाँ पर इलेक्शन? कांग्रेस ने कौन ज्यादा माहौल? अच्छा, और किसको, किसका माहौल है? मोदी ने देंगे, मोदी का। साहू जी, देखा आपके बुजुर्गों के अंदर भी मोदी का पूरा बोलबाला है यहाँ पर। अब आप बात करते हैं, क्या नाम बनते जी आप? अरे, गाँव कौन सा था? मोदा। अच्छा, कैसे क्या लग रहा है इलेक्शन का माहौल? यहाँ पर क्या नाम है बेटे आपका? विक्रांत। विक्रांत जी, आपका गाँव कौन सा है? पूरा नाम क्या आपका? विक्रांत सैनी। सैनी साहब, ये बताओ यहाँ पर क्या माहौल है, क्योंकि आपकी आपकी बिरादरी की वोटों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्या लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ पे देखो, अभी तो राजनीतिक टक्कर जो है वो भी चल रही है नायब सैनी जी के बीच और निर्मल सिंह जी के बीच। अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, बाकी पूरा सपोर्ट जो जाता है अपना नायब सैनी। नायब सैनी का नाम दिया। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? हरीश है। हरीश है, पहले ये तारो। हाँ, ये बताओ क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर क्षेत्र में? पता नहीं, इनको पता नहीं है बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, ये दुकानदार है बच्चे हमारे बीच में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनील है। सुनील जी, आपके पास बहुत लोग आते होंगे यहाँ पर, तो क्या लगता है वीएफ कहाँ जा रही है इस वक्त? इलेक्शन का जो वेव कहते हैं लहर है, वो किसकी तरफ जा रही है? किसी व्यक्ति की तरफ जा रही है, न्यूट्रल है? ये तो है नहीं, हमारे किसकी लहर लहर दोनों साइडों में है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? मोदी को डाले, मोदी का। क्षेत्र के अंदर मोदी मोदी हो रहा है, देख रहे आप सब, देख रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आज देख रहे हैं, चलते हैं हम आगे। आगे थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सब और थोड़ा सा आगे जाएंगे टीम की। और भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, और भाई साहब हमें अपना नाम पाए जी। देविंदर जी, आपके पास बहुत लोग आते होंगे, ये आपका जो प्रोफेशन है, तो क्या लग रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं लग रहा, सभी यही चक्कर लगाई जा रहे हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर वोट होती है, वो क्या कह रहा है, कितना माहौल है पार्टी का, लहर का? देखो, इन्होंने स्पष्ट कह दिया, इतने कैंडिडेट गर्मी में चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई माहौल नहीं है। चलो, हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
अच्छा ये बेचारा शर्मा गया, लड़का शर्मा गया। अब हम आगे चलते हैं। क्षेत्रा की जनता किस तरफ करवट लेगी? अरे तू पागला, सब बात रख लो इनसे। अरे बात मैंने क्यों बात? हां आ गया इनसे क्यों बात? हां जी भाई साहब, क्या नाम है? नहीं ये अब आगे चलते हैं। क्या नाम आपका? ईश कुमार जी, कैसा लग रहा है इलेक्शन में? आपको क्या फील लगी है? कौन सी पार्टी का लग रहा है चुनाव हो रहा है? मोदी का। तो अपने भाइयों बहनों, हमने अभी आपका ग्राउंड सर्वे किया क्षेत्रा का, तो लोगों के आपके विचार देख लोगे। बाकी इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है ये फ्यूचर के अंदर निर्भर है कि जनता किस तरफ वोट आती है। तो ये हमारी ग्राउंड लेवल की वोट थी क्षेत्रा लोकसभा क्षेत्र से। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरा मैन अरविंद शर्मा के साथ आत्मकाश।